नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न चाट। ये चाट आपने बाज़ार में तो बहुत खाई होगी, चलिए आज इसे घर पर ट्राई करते हैं। तो स्वीट कॉर्न चाट बनाने के लिए सबसे पहले आपको मकई के दाने ले लेने हैं और इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। अब हम इनको उबाल लेते हैं। अब इस तरह से भिगोने में पानी ले लेंगे और आपको गैस चालू कर लेनी है। अब आप इसमें अपने मकई के दाने डाल दीजिए। अब आपको इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालना है। अब आप इसे उबलने दें। आपको गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। आप इसे 10 मिनट के लिए उबालें, जब तक आपके दाने अच्छे से उबल ना जाएं। गाइस, आप देख सकते हैं हमारे कॉर्न बिल्कुल, अपने हाथ से दबा के देख लीजिए आपके। ये देखिए गाइस, अच्छे से उबल चुके हैं। अब आप गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए और इन्हें उतार लीजिए। चलिए अब हम अपने पैन को रख लेते हैं और आपको इसके अंदर 1 चम्मच घी डालना है। अब अपने कॉर्न को इनके अंदर डाल दीजिए। अब आप इसे हल्के हाथों से चलाइए। आपको इसे हल्के हाथों से चलाना है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च 1/2 चम्मच, थोड़ा सा नमक डालेंगे। ध्यान रखें, हमने पहले भी नमक डाला था जब हमने इसे उबाला था, तो आप कम ही नमक डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गाइस, अब अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और आप इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए। 1/2 नींबू आपको डाल देना है इसमें। अब इसे एक बार अच्छे से मिला लीजिए एंड आपके स्वीट कॉर्न्स बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया पत्ती डाल लीजिए आप, इसको कलरफुल बनाने के लिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 1/2 चम्मच चाट मसाला डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गाइस, आपके स्वीट कॉर्न चाट बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।